एक कटोरी सूजी, दो मीडियम साइज प्याज, दो मीडियम साइज टमाटर, थोड़े से मूंगफली दाने, एक मीडियम साइज आलू और थोड़ा सा हरा धनिया, दो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता मेरे पास सूखा है, उड़द दाल थोड़ी सी और राई, आधा नींबू। सूजी हम बिना तेल के ही सेकेंगे, ठीक है। टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा तेल डाल देंगे हम। ये डालती हूँ उड़द दाल, राई, राई छिटकने लग जाए तो मूंगफली डालें, करी पत्ता, हरी मिर्च, प्याज इनको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ उसका कच्चापन दूर होगा उसे सेकने में। अब हम इसमें डाल देंगे आलू, इस पे रख देंगे। चलिए देखते हैं इसमें आ गया होगा बॉईल, देखिए जब इसमें बॉईल आ जाए तो अब हम डाल देंगे हमारी हमारी सूजी। और हाँ, दिखावे पे ना जाए, हमेशा जो खाना है वो लोहा या पीतल तांबे के बर्तन में ही बनाने की कोशिश करें। नॉनस्टिक में बिल्कुल भी खाना ना बनाएं, ये आपके सेहत के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। और हाँ, हमने पानी जिस कटोरी से रवा लिया था उसी कटोरी से चार गुना पानी ले लिया, यानी कि हमने चार कटोरी पानी ले लिया है, और चार कटोरी में उपमा बहुत ही बढ़िया बन जाता है। और एक कटोरी सूजी से चार लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया उपमा बन जाता है। तो ये हमारा एक कटोरी का उपमा है। अब हम डाल देंगे इसमें जो हमने नींबू रखा है काट के, नींबू का रस बहुत अच्छे से, ये देखिए, हरा धनिया, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। देखिए बहुत ही टेस्टी हमारा उपमा बन के रेडी हो गया है। तो चलिए देखिए, ये है गर्मा गर्म खाने के लिए रेडी। सुबह सुबह बढ़िया हेल्दी उपमा बनाइए और खाइए। आप इसे चटनी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, जैसे चाहिए वैसे खा सकते हैं।